हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू वी बी एच क्लासेज और आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं टाइप टू एम सी क्यूज़ एल डी हाइड के टोन्स के तो लास्ट की वीडियोस में हमने टाइप वन एम सी क्यूज कवर कर दिए हैं तो आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके सो लेट स्टार्ट टूडे इस वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंपाउंडस डू नॉट अंडर गो एल्डोल कंडशन सो स्टूडेंट्स अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को करवाने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन होते हैं राइट right? इसमें होता है कि प्रेजेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए हमारे पास फाइन सेकेंड कंडीशन हमारे पास होता है इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट ओएच नेगेटिव डाइल्यूट अल्कली फाइन सो अब हमें इन कंपाउंड्स में से देखना है कि जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा तो अल्फा हाइड्रोजन स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कौन सी होती है जो कार्बोनिल कार्बन होती है उसके साथ वाली कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन लगा हो तो वो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होता है लाइक इस कार्बन के साथ अगर मैं तीन हाइड्रोजन लगा दूँ तो ये तीनों के तीनों अल्फा हाइड्रोजन होंगे सो इफ ए टॉक अबाउट द फर्स्ट कंपाउंड कार्बोनिल कार्बन है ये इसके साथ वाले कार्बन के पास तीन कार्बन है दैट मीन्स इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है सो इट विल गिव एल्डोल कंडेंसेशन सेकेंड कंपाउंड दिस इज अ कार्बोनल कार्बन इसके साथ वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है बिकॉज एक बॉन्ड ये कार्बन के साथ बना रही है तो दूसरा इसका डबल बॉन्ड आ गया राइट तीसरा ये इसके साथ बना रही है और चौथा ये फिर से इधर बना रही है दैट मीन्स दिस कंपाउंड विल नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन राइट थर्ड ऑप्शन दिस इज अ कार्बोनल कार्बन इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है तो ये भी देखिए फोर्थ ऑप्शन में है हमारे पास ये कार्बोनल कार्बन carbon है स्टूडेंट्स इसके साथ वाली कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं कोई भी हाइड्रोजन नहीं है हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट दैट मींस इसके पास पेल्फ हाइड्रोजन नहीं है सो द करेक्ट ऑप्शन इज अगेन फोर्थ सो सेकंड एंड फोर्थ इसमें हमारे आंसर है फोर्टीन क्वेश्चन ट्रीटमेंट ऑफ कंपाउंड पी एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ पी एच विद एनी वोल्यूशन यील्ड्स सो so स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस जो मे बी आई थिंक आपने ये पहले कर रखा होगा या नहीं कर रखा होगा आप में से ज़्यादा जानों ने तो ऐसे क्वेश्चंस में हमने मैकेनिज्म के साथ इनको ट्राई करना है सॉल्व करना है ठीक है तो कैसे अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हमारे पास ये बेसिकली एस्टर है राइट right? तो हम इसका स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन करके लिख लेते हैं दिस इज़ phenyl benzoate. इसकी रिएक्शन उन्होंने कहा हमें एन ओ एच के साथ करवानी है राइट एन ओ एच मीन्स ये हमें ब्रेक होकर हमारे पास एन ए पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव मिलेगा राइट तो इस कंपाउंड के ऊपर अगर हम ओ एच नेगेटिव राइट अटैक करेगा फाइन इफ इट विल अटैक इट तो हमारे पास बन जाएगा ओ एंड दिस कार्बन और इस कार्बन के ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार एंड दिस ओ एच एंड दिस अगेन फिनाइल ग्रुप फाइन तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा गुड लिविंग ग्रुप फाइन ये इसको लीव कर जाएगा गुड लिविंग ग्रुप फर्दर अगर हम देखेंगे तो लीव होने के बाद हमारे पास ये दोनों कंपाउंड सेपरेट हो जाएंगे ये ओ नेगेटिव और सेकेंडली हमारे पास आएगा सी ओ एच तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाके सी डबल बॉन्ड हो क्योंकि ये स्टेबल हो जाएगा राइट इसीलिए ये यहाँ से सेपरेट हो गए फाइन नेक्स्ट हमारे पास एन ए पॉजिटिव भी था फाइन तो ये जो है ये एन ए पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा और हमारे पास सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा राइट दिस कंपाउंड इज सोडियम फिनॉक्साइड सिमिलरली ये कंपाउंड एन ए पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव ये क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास दिस कंपाउंड इज सोडियम फिनॉक्साइड सो आगे हमारे पास तो

सो क्लेमेंजन रिडक्शन में हमारे पास रिएजेंट हम यूज़ करते हैं जिंक मर्करी एमेलगम इन द प्रेजेंस ऑफ एच सी एल वट इज बेसिकलीपनिंग इन दिस रिएक्शन हमारे पास कोई भी एलडीहाइड या किटोन ग्रुप होता है या किटोन कंपाउंड होता है राइट वो इसकी प्रेजेंस में एल्केन करस्पॉन्डिंग एल्केन में चेंज हो जाता है हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम राइट हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम तो हम ऑप्शंस में से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हल्के फॉर्मेशन हो रही है दैट मीन्स वो क्लाइमैजन रिडक्शन हुई है बिन्लडीहाइड इनटू बेंजाइल अल्कोहल एल्डिहाइड अल्कोहल में चेंज हो रहा है नो सो दिस इज नॉट ए क्लामेंजन रिडक्शन साइक्लोहेक् नोन टू साइक्लोहेक्जेन ओन मीन्स कीटोन टू एन मीन्स कीटोन टू एल्डिहाइड सो दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट बेंजा बिंजॉल क्लोराइड इनटू बिन्जॉल नो ना ही रिएक्टेंट ये होता है ना ही प्रोडक्ट ये होता है क्लामेंजन में सो दिस इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग दिस इज रॉन्ग बेंजोफिनन इंटू डाई फिनाइल मिथेन राइट बेंज़ोफिनन में हमारे पास दो होते हैं दो फिनाइल ग्रुप होते हैं यहाँ पर भी डाई फिनाइल और ओन की टून टू हमारे पास अल्किन बन रहा है दैट मीन्स फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट सो वी गट द करेक्ट ऑप्शन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैन बी इंक्रीज इन द चेन मीन्स कौन से कन्वर्जेंस में हम कार्बन के चेन लेंथ इंक्रीज़ कर सकते हैं ग्रिगनार रियजन तो ग्रिगनार रीजन फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सी एच थ्री एम जी वी आर होता है या कोई भी अल्काइल ग्रुप मीन्स अल्काइल ग्रुप इसमें होता ही होता है कोई भी और यहाँ पर एम जी सी एल लगा हो सकता है दैट मीन्स हम अपनी तरफ से अल्काइल ग्रुप कार्बन के ग्रुप को ऐड करते हैं दैट मीन्स कार्बन की चेन लेंथ इंक्रीज़ होगी सो so, ग्रिगनार्ड रिएजेंट तो वाली भी मेथड हमारे पास करेक्ट है कैन ज़रूरी रिएक्शन नो कैन इजेरो रिएक्शन बेसिकली डिसप्रोपोशनेशन रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाती है हमारे पास अल्कोहल और एसिड सॉल्ट बन जाता है फाइन सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट एल्डोल कंडेंसेशन यस स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है फॉर एग्ज़ाम्पल हम इथेनॉल की एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं एल्डीएड और किटोन देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इनके पास अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी होता है तो इसमें हम किसी भी एल्डी या किटोन के फर्स्ट ऑफ ऑल तो दो मोल्स ले लेते हैं तो ऑब्वियसली कार्बन की चेन लेंथ क्या हो जाती है डबल राइट right? इनके हम डिफरेंट मोल्स भी लेते हैं तब तो भी कार्बन की चेन लेंथ इंक्रीज होती है दैट मीन्स थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन राइट नेक्स्ट इज एच वी जर्द रिएक्शन दिस इज हेल्व वोल हार्ट जेलेंसी की रिएक्शन So, this reaction is given by acids, given by acids in which there is insertion of halogen atom, right? Kya basically, for example, hum CH3COH plus Cl2, this takes place in the presence of UV light, ya fi ye Br2 in the presence of red phosphorus. हमारे पास सी एच टू सी ओ एच यहाँ पे सी एल ग्रुप लग जाएगा तो कार्बन की चेन लेंथ तो सेम ही रही सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन राइट तो ग्रिगनाट रीजन कंडेंसेशन वो मैथड है जिससे हम कार्बन चेन लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं लेट्स मूव टू क्वेश्चन सेवनटीन बेंजोफिनन कैन बी ओबेंड बाय सो बेंजोफिनन का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ये हमें इसके मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखनी है इनमें से कौन सी है फर्स्ट है बिन्जॉल क्लोराइड प्लस बिन्जीन प्लस ए थ्री सो बिन्जॉल क्लोराइड वी नो दिस इज बिन्जॉल क्लोराइड प्लस बिन्जीन इन द प्रेजेंस ऑफ ए थ्री एंड दिस ए थ्री इज एनहाइड्रस फाइन सो वट विल हैपन स्टूडेंट्स या इस बेंजीन की एक हाइड्रोजन और यहाँ से सी एल आउट माइनस एच सी एल बाकी सारा आपस में कंबाइन हो जाएगा और हमारे पास बेंजोफिनन बन जाएगा दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है और भी होगी क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस है राइट नेक्स्ट है बेंजोइल क्लोराइड प्लस डाइफिनाइल कैडमियम सो लेट्स ट्राई विद इट ऑल्सो बेंजोइल क्लोराइड बेंजीन सी ओ सी एल प्लस कैडमियम क्लोराइड डाइफिनाइल कैडमियम इट इज ये रिएक्शन टेक प्लेस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर तो इसमें भी स्टूडेंट्स हमारे पास बेंजोफिनन बनेगा दिस इज आल्सो द करेक्ट ऑप्शन कि हमारे पास सी डी सी एल टू जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट बनेगा तो ये हमने मैथड्स ऑफ प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स बेंजोफिनन की मतलब की टोन्स की कर रखी हैं राइट सो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट बेंजॉइल क्लोराइड प्लस फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड इस केस में और बेंजाइल प्लस कार्बन मोनोक्साइड जैडेंसी एल टू इनके साथ हमें बेंजोफिनन नहीं मिलेगा सो यू में टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस रिएक्शन इफ यू लाइक बिकॉज ये दीज आर इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस आपको ये और कन्वर्जन में भी काम आएंगी राइट लेट्स मूव टू एटीन क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर इंटरमीडिएट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू द गिवन कार्बोनाइल कंपाउंड ए सो कंपाउंड ए हमें ये गिवन दे रखा है हमें न्यूक्लियोफिलिक फ्लिकडिशन मतलब हम लेट कर लेते कोई भी न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक करना है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गई ये एस पी टू हाइब्रिडाइज है मीनस ये प्लेनर मॉलिक्यूल है हमारे पास दिस इज़ अ प्लेनर मॉलिक्यूल और इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है या बैक साइड से भी अटैक कर सकता है अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो हमारे पास सो so, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है फर्स्ट ऑफ ऑल तो डबल बॉन्ड को सिंगल में चेंज करना है राइट बी ओ फ्रंट साइड से न्यूक्लियोफाइल ने ऐसे अटैक किया और हमारे पास ऑप्शन है कि ये बैक साइड से दैट मीन्स यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा राइट दीज आर द ऑप्शंस और हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पे कायरल कार्बन हो रहे हैं इन दोनों में कायरल कार्बन बन रहा है दैट मीन्स इन दोनों का ऑपोजिट का मिक्सचर हमारे पास इन मिक्सचर बन गया इन एंशियोमैरिक स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ रखा है राइट right? ये नैनशोमेरिक मिक्सचर बनाते हैं सो so, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन एंड टू क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर इसी वाले कंपाउंड को इन्होंने दूसरे तरीके से लिखा हुआ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के मल्टीपल चॉइस वीडियो ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ अमीन्स Till then, stay safe, stay healthy, goodbye.